सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वाई टी चैनल राठौर एडिटर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ, वो भी गाइज पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से। एंड गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइज, मेरे चैनल पर नहीं हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, मैं बिना किसी देरी के मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले आप इस वाले बैकग्राउंड को आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना होगा। एंड गाइज, इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। एंड इसको कट करके 2830 करके यहाँ पे आप रिसाइज करके यहाँ पे डन कर दीजिएगा, ताकि आपकी फोटो HD में से हो। एंड गाइज, यहाँ पे आपको एड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, इस वाले PNG का आपको यूज कर लेना होगा। एंड गाइज, इस वाले PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड गाइज, इसको आपको कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ से इसको ऐड कर लीजिएगा। एंड गाइज, इसको आपको 70 करीब रख लेना होगा। एंड गाइज, यहाँ से मैं सिंपली से डन करूँगा। एंड गाइज, फिर से यहाँ से आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, यहाँ से आप अपने फोटो को ऐड कर लीजिएगा। एंड गाइज, यहाँ से अपने फोटो को ऐड करने के बाद एंड गाइज, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से इसे आप जूम कीजिएगा। एंड गाइज, कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, पर्सन पे एक बार टैप कीजिएगा। एंड गाइज, यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर लेना होगा। एंड गाइज, इरेज करने से क्या होगा, एंड गाइज, थोड़ा सा यहाँ से जहाँ पे आपको रेड रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बाहर का बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है मेरे जान। एंड गाइज, आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है मेरे जान। एंड गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। तो गाइज, देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इससे मैंने इरेज कर रहा हूँ। एंड गाइज, आपको भी कुछ इस प्रकार से इरेज करना होगा, ठीक है मेरे जान। हल्का हल्का इरेज कीजिएगा, थोड़ा टाइम देकर बनाइएगा। एंड गाइज, यहाँ से आपको थोड़ा सा इधर इधर भी, एंड गाइज, जहाँ जहाँ पर आपका रेड एरिया नहीं है वहाँ वहाँ पर आपको इसे इरेज कीजिएगा अपने अपने फ़ोटो के अंदर, ठीक है मेरी जान। एंड गाइज, देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इरेज कर लिया है। एंड गाइज, यहाँ से मैं, तो गाइज, देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। एंड गाइज, यहाँ से मैं डन करूँगा तो गाइज, देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। एंड गाइज, इसे आप कुछ इस प्रकार से आप ऐड कीजिएगा अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे जान। एंड गाइज, मैं कुछ इस प्रकार से मैं इसे ऐड कर देता हूँ। एंड गाइज, देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड किया हूँ। एंड गाइज, यहाँ से मैं डन करूँगा। एंड गाइज, यहाँ से आप एक बार ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा। एंड गाइज, आपको इस वाले बैकग्राउंड को यूज़ करना होगा। एंड गाइज, इस वाले बैकग्राउंड का यूज़ मैं गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसका लिंक। एंड गाइज, यहाँ पे कुछ ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, इस पर आप क्लिक करके एंड गाइज, यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको ऐड कर देना होगा। एंड गाइज, जैसे मैं इसको ऐड किया हूँ, एंड गाइज, यहाँ से आपको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, इन्वेस्ट पे क्लिक करके एंड गाइज, इसे आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा। एंड गाइज, मैं थोड़ा सा वीडियो को कर देता हूँ गाइज फास्ट, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है मेरी जान। एंड गाइज, मैं वीडियो कर दे रहा हूँ फास्ट। सो गाइज, हमारा शर्ट कलर भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से हो चुका है। एंड गाइज, यहाँ से डन करने के बाद फिर से यहाँ से आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना होगा। एंड गाइज, इस वाले PNG को आपको यूज़ कर लेना होगा। एंड गाइज, इस वाले PNG का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइज, आप वहाँ से जाके आप इसी इजीली तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, मैंने कुछ इस प्रकार से ऐड करने के बाद फिर से यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। एंड गाइज, इस वाले PNG को मैं फिर से यूज़ करूँगा। एंड गाइज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, आपको कुछ इस प्रकार से आपको इसको ऐड कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो गाइज, जैसे मैं इसे ऐड किया हूँ, एंड गाइज, डन करने के बाद फिर से यहाँ से आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, इस वाले PNG को फिर से यहाँ से आप ऐड कर लेना होगा। एंड गाइज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, इसे आपको कुछ इस प्रकार से ऐड करना होगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग। एंड गाइज, एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एंड गाइज, आपको कुछ ड्रबल करने के बाद एंड गाइज, इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड फिर से इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड गाइज, आपको कुछ इस प्रकार से आपको इसे ऐड कर देना होगा। तो गाइज, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड होने के बाद मैं फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। एंड गाइज, इस पर क्लिक करूँगा। एंड गाइज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, कुछ आपको इस प्रकार से आपको इसे ऐड कर लेना होगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे जान। तो गाइज, देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसे ऐड किया हूँ। एंड गाइज, आपको भी कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना होगा। एंड गाइज, यहाँ से मैं डन करूँगा तो गाइज, यहाँ से हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है।
एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड गाइस यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इमेज दिखाया है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। एंड गाइस वहाँ से अपने आपकी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते